दहेज के लिए ससुराल वालों की प्रताड़ना झेल रही बेटी को उसके ससुराल लेने पहुंचे पिता को खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ा। लेकिन इस पिता को घर लौटने के 2 घंटे बाद ही मिली अपने बेटी की मौत की सूचना ने झकझोर कर रख दिया। बेटी की मौत के बाद इस पिता ने उसके ससुराल वालों पर उसकी बेटी को मारने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता धर्म सिंह ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि 6 वर्ष पूर्व उसने अपनी 2 बेटियों आशाबाई और ताराबाई का विवाह हेमंत एवं संजय मेघवाल निवासी खोह के साथ कराया था। विवाह के दौरान दामाद को एक मोटरसाइकिल के साथ ही अन्य दहेज का सामान भी दिया था, लेकिन ससुराल वाले एक ही मोटरसाइकिल देने से नाराज थे और छोटी बेटी ताराबाई को प्रताड़ित करने लगे। इस बीच ताराबाई ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया तो ससुराल वाले उससे और भी खफा हो गए और उसके साथ आए दिन ताराबाई से मारपीट करने लगे। पिता धर्म सिंह मेघवाल ने बताया कि लगातार बेटी के साथ मारपीट की सूचना पर वह सोमवार को अपने साले रूपचंद के साथ बेटी के ससुराल खोह गांव गया था। मान मनोबल के बावजूद भी ससुराल पक्ष के लोग नहीं माने तो मंगलवार सुबह बेटी को साथ घर लाने का प्रयास किया, लेकिन ससुराल वालों ने उसे नहीं भेजा, जिस पर सुबह 8 बजे वह अपने गाँव लौट गया। घर लौटने के कुछ देर बाद ही बेटी की मौत की सूचना मिली। पीड़ित पिता ने दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में बताया कि ससुराल वालों ने उसकी बेटी का गला घोटकर मार दिया और उसे आत्महत्या का रंग देने के लिए फंदे से लटका दिया। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर विवाहिता के पति को हिरासत में ले लिया है। आपका? सर मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गांव सिंगरा का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई है? सर मेरी बहन दहेज के लिए हत्या कर दी गई है। किन लोगों ने? एक खोकर रहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी बहन को जबरदस्ती एक पेड़ से बांध के हत्या कर दी गई है। पेड़ से जैसे किस चीज से लटका के नहीं। शादी कब करी थी? 6 साल की हो गई सर। तो किस कारण से हत्या की है? दहेज के लिए करी है। दहेज के लिए? जी सर। तो कितनी सिस्टर है आपकी? 2 3। 3 और वहाँ पर कितनी? 2 है वहाँ पर सर। तो रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ सर, रिपोर्ट दर्ज करा दी। कार्रवाई इतनी हुई है कि जो हमारी डेड बॉडी यहाँ तक आई है, लेकिन बंदे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। ये क्या कारण है जो बंदे गिरफ्तार नहीं हो रहे? जो मुलजिम गिरफ्तार तो होना चाहिए। वे 100 नंबर फोन करके हमने एप्लीकेशन लगाई, जो इतनी कार्रवाई होगी नहीं, इतनी कार्रवाई शायद नहीं हो पाती। क्या घटना हुई? हमारे नाना तो फांसी में लटका दी मार के। किन लोग थे वो? कौन लोग थे वो? उतारा। कौन से गांव में गए थी? कोई मत। तो आपको कब पता लगा? सुबह 10 बजे। कौन कब गए? कोई बजे गए हमारे पास। तो अब रामगढ़ CSC पर लेकर आए उसको? हाँ। डेड बॉडी को? हाँ।